अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास ये मशीन है ट्रिम्बल M3 DR2 सेकंड। इसमें डाटा जो है आप USB के ज़रिए से कैसे डालते हैं। USB मैंने ये लगाई है, लगाने के बाद पहले हमने CSV फाइल जो है वहाँ पे रेडी कर ली। करने के बाद आपके पास ये जो है ना डिस्प्ले शो होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जॉब में जाना। जॉब में जाने के बाद ये सबसे लास्ट में जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आ रहा है ना, इसमें आपने जानते लास्ट वाला, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने इंपोर्ट फिक्स फॉर्मेट, यानी मशीन में डाटा हमने USB के ज़रिए डालना है, तो चौथे नंबर वाले को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये स्लाइड खोल के आपने देख लेना है आपकी जो भी फाइल हो, SDR33 जो भी ये है, तो हमारी कामा डेलीमिटेड फाइल है, तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद आपने फ्राम नेम में आ जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ये पहला ही जो है ना फ्राम नेम, यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरी USB खुल गई। ये हार्ड डिस्क 2 जो लिखा हुआ है ना, ये हार्ड डिस्क 2 ये USB है इस साइड में, अगर मैं दिखा सकूँ तो ये हार्ड डिस्क 2 होती है। तो इधर ये हम जो है हार्ड डिस्क 2 के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये नीचे IM8 CSV पहले ही शो हो रहा है। अगर ना शो हो तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो IM8 मेरी फाइल का नाम है CSV, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पे आ गया फ्राम नेम की जगह। उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये डाटा जो आप देखना चाहते हैं कि ये हमारा डाटा इसमें आया है कि नहीं, आपको ये इतना डाटा पुट नहीं करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, इसके स्टैक में चले जाना। स्टैक में जाने के बाद हमने पॉइंट इसमें डाले तो ये पॉइंट में चले गए। पॉइंट में जाने के बाद ये साइड जो है ना, यहाँ पर ये राइट ट्राइंगल, इसको खोल लेना, साइड की ये स्लैश को, इसको खोलने के बाद आपने लिस्ट में चले जाना। लिस्ट में जाने के बाद P1 P2 से मेरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा था, तो ये देखें P1 मैंने किया, और यहाँ से आपने इसके कोऑर्डिनेट क्रॉस चेक कर लेने। तो यहाँ पे फिर आपने इसको खोला और की इन किया तो ये देखें 26,24,918.587 और 583,296, ये मेरी ईस्टिंग आ गया और एलिवेशन। अगर मैं आपको दिखाऊं वहाँ पे तो वो देखें सबसे ऊपर में 26 लाख, ये P1 जो है 26,24,918.587, इसी तरह ईस्टिंग भी मेरी सेम है। तो इस तरह आपने क्रॉस चेक कर लेने हैं ताकि कोई गलती ना हो, ईस्टिंग नॉर्थिंग में ना चली जाए और नॉर्थिंग ईस्टिंग में ना चली जाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।